आज हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि पद किसे कहते हैं। कोई भी शब्द जब स्वतंत्र होता है तो वह शब्द कहलाता है, और जब वही स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। यानी अगर स्वतंत्र है तो शब्द, और जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ और व्याकरण के नियमों में बंधा तब वह पद कहलाता है। जैसे यहां पर राम एक स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र है, पुस्तक अलग है, रहा अलग शब्द है, और पढ़ हमारा अलग शब्द है। तो ये हमारे स्वतंत्र शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, और यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं और तब वह पद कहलाते हैं। जैसे वही स्वतंत्र शब्द हमने इस तरह प्रयुक्त किए, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यह व्याकरण के नियमों में बंध गए, तो व्याकरण के नियमों में बंधने के कारण यह पद कहलाए, क्योंकि इन्हें एक पोस्ट मिल गई, इन्हें एक स्थान मिल गया। जब हम पद परिचय करेंगे तो पद परिचय करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। तो जो बिंदु हमें ध्यान रखने हैं वो ये कि हमने जो भी पद छांटा है वो यह देखना है कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर कोई भी अव्यय है। अव्यय के अंतर्गत हमारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्म्यादि बोधक आते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा पद परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हमने यह पहचान लिया कि हमारे वाक्य में संज्ञा पद परिचय है तो हमें संज्ञा का भेद बताना है कि संज्ञा के हमारे जो भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी लिया गया है। तो उन भेदों की हमें जानकारी देनी है। उसके बाद हमें लिंग छांटना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से क्या है। फिर हम वचन छांटेंगे, एक वचन या बहुवचन। फिर कारक, हमारे जो कारक चिन्ह है उसमें से हमारा कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, या अन्य कोई भी कारक। उसके बाद हमारा क्रिया से क्या संबंध है, हमने जो संज्ञा छांटी उस संज्ञा का क्रिया के साथ में क्या संबंध है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। हमारा पहला उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ रहा है। आपके प्रश्न पत्र में इसी तरह से प्रश्न दिए जाएंगे, तो उसमें कोई भी एक पद रेखांकित होगा। राम भी रेखांकित हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है, पढ़ रहा भी हो सकता है। तो आपको देखना यह है कि हमारा रेखांकित पद क्या है। जैसे यहाँ पर हमारा रेखांकित पद है राम। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि व्याकरणिक दृष्टि से राम क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। तो हमने देखा कि राम हमारा संज्ञा है, और संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी नाम के लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त करते हैं। अब राम लिंग की दृष्टि से क्या है, तो राम चूंकि किसी पुरुष का नाम है तो हमारा पुल्लिंग है। वचन की दृष्टि से राम किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, हमारा एक वचन है। और कारक की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो हमारी जो क्रिया है, पढ़ रहा है, इस क्रिया का कर्ता है, तो ये हमारा कर्ता कारक हुआ। इसके साथ साथ कहीं पर हमारा ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि क्रिया से उसका क्या संबंध है। तो अगर ऐसा कोई भी शब्द भी एग्जाम में दिया हुआ है तो क्रिया से संबंध में भी हम उसे क्रिया का कर्ता ही लिखेंगे। अब दूसरे उदाहरण से इसे समझते हैं। लड़कियां खेल रही हैं। अब मान लीजिए आपके इसमें लड़कियां रेखांकित किया हुआ है, आपको लड़कियां पद का परिचय देना है। तो लड़कियां हमने कैसे देखा कि लड़की किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, बल्कि किसी का बोध कराया जा रहा है। बहुत सारी लड़कियां जिसके अंतर्गत आ सकती हैं, हमारी जैसे आपकी कुर्सी हो गई तो कुर्सी में बहुत सारी कुर्सियां हो गई, हमारी मेज हो गई, बहुत सारी मेज हो गई। तो इस तरह से कोई भी जो हमारा वाक्य बहुवचन में बन जाए वो हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लड़कियां हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं। तो लड़की जातिवाचक संज्ञा। अब वचन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लड़कियां शब्द हमारे पास लिखा हुआ है, तो लड़कियां बहुवचन है, क्योंकि एक लड़की की बात नहीं है, एक से ज्यादा लड़की की बात की गई है, तो बहुवचन। लिंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो लड़कियां शब्द है, अगर यहां लड़की होता तो यहां हमारा एक वचन होता, यहां लड़कियां हैं इसलिए बहुवचन है। अब लिंग में
चूंकि लड़की की बात की गई है तो ये हमारा स्त्रीलिंग है, और हमारी क्रिया खेल रही है इस क्रिया का ये कर्ता कारक है, यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया का कर्ता। अब एक तीसरे उदाहरण से हम इसे समझते हैं, उसकी बेईमानी पकड़ी गई। तो यहां पर अगर हमारा बेईमानी शब्द रेखांकित किया गया है तो बेईमानी क्या है, हमारा संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा भेद है, देखो हमने पहले पहचाना कि किसी का नाम भी नहीं है, हमने देखा किसी जाति का बोध भी नहीं हो रहा है, तो यहां पर बेईमानी किसी भाव का बोध हो रहा है। तो हमारे जो भावों का बोध हो, हम जिस चीज को अनुभव करें, महसूस करें, वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो यहां पर हमने सबसे पहले पहचाना कि बेईमानी शब्द है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में चूंकि बेईमानी पकड़ी गई, जब हमने क्रिया देखा तो हमारी क्रिया में क्या हुआ, पकड़ी गई क्रिया हमारी स्त्रीलिंग है, और हमने अपने भाव को देखा कि वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आया, इसलिए हमारा स्त्रीलिंग है। वचन की दृष्टि से भाव, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, और पकड़ी गई क्रिया का भाव। अब इसके साथ अगला हमारा सर्वनाम है, और सर्वनाम हम अगली वीडियो में समझेंगे।